हरे कृष्णा। तो देखिए बच्चों, क्या आप भी अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि CBSE ने मेरे साथ इनजस्टिस कर दिया है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि 10th 11th में मेरे मार्क्स बहुत बढ़िया थे, लेकिन 12th में मार्क्स आ गए हैं कम? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि टीचर के जो पसंदीदा स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स आए हैं ज़्यादा और मेरे मार्क्स रह गए हैं कम? तो अब आप सोच रहे हैं कि यार मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करूँ? तो उसके लिए आपके पास अब एक ही तरीका रह गया है, ऑप्शनल एग्ज़ाम देने का, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक। अगर आप उन ऑप्शनल एग्ज़ाम्स को देने की सोच रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगा कि आपको ऑप्शनल एग्ज़ाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित कक्कड़ और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, कल CBSE ने दोपहर को 2 बजे अपनी क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया और रिजल्ट काफ़ी चर्चा में रहा। 99.37% बच्चे ओवरऑल पास हो गए। CBSE की हिस्ट्री में ऐसा रिजल्ट किसी साल में भी नहीं आया। लगभग 1.5 लाख बच्चों ने 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे और 70,000 से ज़्यादा बच्चों ने 95% से भी ऊपर मार्क्स लाए। तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में 80% ज़्यादा है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, उससे 80% ज़्यादा बच्चे इस बार 95% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। आप समझ रहे हो, ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट माना जा रहा है इस रिजल्ट को। यहाँ तक कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने भी भैया धूम मचा दी। 99.96% बच्चे ओवरऑल पास हो गए और 875 स्टूडेंट्स के 95% से ऊपर मार्क्स आए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 442 है। ये खुद अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके हमको बताया। आप सोच रहे हो बम्पर रिजल्ट मारा जा रहा है इस रिजल्ट को, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो है भाई स्कूल के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि स्कूल ने गड़बड़ी करी है, उनके टीचर्स जो है उनसे खुश नहीं थे और उनके मार्क्स इस वजह से आ गए हैं कम। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 11th में तो भैया हम पढ़ते ही नहीं थे, 11th में हम नहीं पढ़े, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे रिजल्ट के ऊपर पड़ गया है। तो CBSE का ये जो फॉर्मूला था यही गड़बड़ था 40-30-30 का। तो भैया जो भी है, अब रिजल्ट आपका बन चुका है। अब रिजल्ट में चेंजेस हो नहीं सकते हैं क्योंकि CBSE ने पहले ही बोल दिया था कि जो भी मार्क्स अपलोड किए जाएंगे उसमें चेंज नहीं होगा। पहले ऐसा होता था कि रिजल्ट जब आता था बच्चे जो है अपने मार्क्स को चैलेंज कर देते थे, कॉपी रीवैल्यूएट करवा लेते थे, उसकी कुछ फीस लगती थी, लेकिन CBSE ने पहले ही इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। जो भी मार्क्स आपको दे दिए गए हैं वो अब चेंज नहीं होंगे। तो अब क्या करें, क्या ऐसा करूं कि मेरे मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं? उसका सिर्फ एक चांस रह गया है, वो है ऑप्शनल एग्ज़ाम, जो कि शुरू हो रहे हैं 16 अगस्त से। तो दोस्त, अगर आप ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आपको बस अपने आप से एक सवाल पूछना है, भाई पढ़ाई में जो है मैंने काफ़ी टाइम से करी नहीं है। मार्च अप्रैल से ही ये बातें चल रही थी कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो कुछ इंटरवल्स के अंदर हम पढ़ाई कर रहे थे। वो भी पढ़ाई कभी होती थी कभी नहीं होती थी, और अगर हम पढ़ाई 1-2 महीने के लिए छोड़ दें तो हमारे दिमाग से वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं जो कि हमने पहले बहुत पहले से पढ़ रखी है। अगर मान लो आप पूरे साल भी पढ़े थे, फरवरी तक भी आपने जोर लगा के पढ़ाई की थी, लेकिन वो भी अब कुछ ना कुछ आपके दिमाग से आउट हो गई होगी। तो आपको बस अपने आप से ये पूछना है कि भैया 15 दिन के अंदर क्या मैं सारा कोर्स कवर करके रिवाइज करके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा? अगर आपको जवाब हाँ में मिलता है तो मेरे दोस्त, आपको ऑप्शनल एग्ज़ाम में ज़रूर जाना है और अपने मार्क्स को चैलेंज ज़रूर करना है। बिल्कुल आपको ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए जाना ही चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, पर्सनली मेरा ये मानना है कि CBSE ने हमको इतना टाइम नहीं दिया है कि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर करके अपने मार्क्स को चैलेंज कर पाए। अब ये CBSE की गलती है या किसकी गलती है उसके बारे में तो मैं भैया कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये 15 दिन जो है बहुत ही कम है प्रिपरेशन के लिए। 15 दिन में पूरे साल का कोर्स करना भैया इम्पॉसिबल है, और वो भी जब जब हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरे हों, कभी एग्ज़ाम हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे, पढ़ाई जो है कुछ इंटरवल्स के अंदर हो रही है, बहुत ही मुश्किल है। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछकर ही ऑप्शनल एग्ज़ाम को देने का डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन आपका है, बहुत सोच समझ के आप डिसाइड कीजिएगा। बाकी ऑप्शनल एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, क्या क्या उसमें आएगा, ये भी मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।